मैंने सामने देखा कि मुझे यहाँ पर इनके एलियंस देखने के लिए मिल जाते हैं भाई। अभी मैं कई देर दोबारा से अपने माइनक्राफ्ट में आ चुका हूँ एंड आपके लिए लेकर आ चुका हूँ कुछ अपने मैप्स जो कि यार काफी ज्यादा मजेदार होने वाले हैं एंड ये फुल्ली सर्वाइवल एंड एडवेंचर्स भी होने वाले हैं। सो यार इनकी एक खास बात और है, अगर आप चाहते हो कि इनको मल्टीप्लेयर में खेलना तो आप इनको मल्टीप्लेयर में भी खेल सकते हो। एंड मैं आपको पहले एक नोट बता देता हूँ कि मैं यहाँ इस वीडियो में जितने भी यहाँ पर मैप्स होने वाले हैं उन सभी का जो है यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ना एक और बात यार, वीडियो को जरूर से लाइक करना एंड एंड तक वॉच करना क्योंकि मैं यहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आपको ये मैप्स किस तरीके से अपने इंस्टॉल करने एंड आपको ये किस तरीके से प्ले करने। मैप आता है, इसका नाम है यार यहाँ पर एलियन वर्ल्ड। सो ये वाले मैप को आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ये किस टाइप का मैप होने वाला है। तो अभी इसकी डिटेल में बात कर लेते हैं। सो स्टार्टिंग में ये वाले मैप में आपको एक जगह पर उतार दिया जाता है जहाँ पर यार आपके पास दो तीन चेस्ट रखी होती है, तो उसमें से पहले आपको अपना सारा सामान ले लेना है क्योंकि अगर आप वहाँ से सामान नहीं लोगे तो आपको फिर कहीं पर भी सामान नहीं मिलेगा। तो ये आपके पास यार एक आखिरी चांस होता है जहाँ से आप अपने टूल्स एंड आर्मर ले सकते हो। अगर आप मल्टीप्लेयर में खेले हो तब भी भाई आप अपने दोस्त से कह देना कि आप जो है ना यहाँ से जितने भी सामान आपको लेना है वो ले लो। सो अगर आप मल्टीप्लेयर में खेलते हो तो ये मल्टीप्लेयर में आपकी जो उसको और भी ज्यादा एडवेंचरस एंड सर्वाइवल बना देता है। तो इस गेम की क्या स्टोरी है, सो इस गेम में क्या होता है कि हमारी वर्ल्ड पर जो है ना एलियंस ने अटैक कर दिया एंड जो एलियंस अटैक करा है वही हमें सोल्व करना है कि वो एलियंस अटैक किस कैसे करा, इसके पीछे किसी इंसान की साजिश तो नहीं है या फिर भाई उन्होंने खुद से ही हमारी वर्ल्ड पर अटैक करा है। तो ये जो हमारी वर्ल्ड है काफी ज्यादा देखने में अच्छी है एंड इसी वजह से जो एलियंस ने इसके ऊपर अटैक करा है तो हमें यही इसमें सोल्व करना है कि हमें उन एलियंस ने क्यों कराया ऐसा। एंड यहाँ पर आप भाई देख भी सकते हो इस जो वर्ल्ड की भाई यहाँ पर बनावट वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर आपको भाई अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं एंड इसी के साथ साथ आपको इस वर्ल्ड में हिंट भी देखने के लिए मिलेंगे जो कि आपको गाइड करेंगे। एंड अगर आप इस वर्ल्ड को पूरा एक्सप्लोर करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको एक ट्रेल दी जाती है जो कि आपके पूरी वर्ल्ड से निकलती है। तो ये वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा बड़ी है एंड इसको यार आपको रात में भी सर्वाइव करना पड़ेगा अगर आप सर्वाइवल में खेलते हो। मैं तो इस वक्त क्रिएटिव में हूँ तो मैं आपको वर्ल्ड दिखा रहा हूँ यहाँ पर एंड इसके बारे में बता रहा हूँ। देख सकते हो ये जो ग्रीन ग्रेन है ये एक इनकी मेन शिप है जिसके ऊपर एक रडार लगा है एंड इसी की मदद से जैसे हम इसके पास जाते हैं तो ये जो है अपने आसपास शिप्स को बुला लेती है जो कि हमारे ऊपर अटैक करने के लिए उस शिप्स से एलियन उतरते हैं एंड सर्वाइवल में वो हमें भाई बहुत ही बुरी तरीके से हरा देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो मेन शिप है उसने अपना रडार घुमाया एंड उसने यहाँ पर दो शिप बुला लिए और इनसे बचना यार काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। मैं इनकी शिप के अंदर भी आपको एंटर करके दिखाता हूँ। शिप के अंदर आ चुके हैं एंड यहाँ पर भाई पता नहीं कुछ अजीब ही यहाँ पर ब्लॉक्स एंड और दूसरी चीज़ें हैं जो कि यार मैंने माइनक्राफ्ट में भाई पहले कभी नहीं देखी। तो यार ये जो शिप है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो ये रहा इनकी स्पेसशिप के सामने इनका सबसे ऊंचा टावर, मतलब कि इनका मेन टावर जहाँ पर ये एलियंस इनका बसेरा है। तो यहाँ से यार आप बिल्कुल संभल के रहना है यार, ये आपको पता ही होगा कि एलियंस को यार आसमान में रहने की ज़्यादा आदत होती है। तो इसी वजह से यार इन्होंने सब जगह पर यहाँ पर अपने जो घर हैं वो आसमान में बना लिए एंड पहले इस वाली जो सिटी थी इसमें इतनी ऊँची ऊँची बिल्डिंग्स नहीं थी बट इन्होंने अब इतनी ज़्यादा ऊँची ऊँची बिल्डिंग्स बना ली है एंड इन्होंने आसमान में ही टनल्स बना रखी है मतलब एक शिप से दूसरे शिप्स के अंदर जाने के लिए। तो अभी मैं भाई यार मेन बिल्डिंग्स ऊपर जाके देखता हूँ एंड यहाँ पर भाई मैंने सामने देखा कि मुझे यहाँ पर इनके एलियंस देखने के लिए मिल जाते हैं भाई। ये रहे सारे एलियंस जिन्होंने हमारी वर्ल्ड पे कब्जा कराया। तो भाई आप इनसे बहुत संभल कर रहना क्योंकि आप देख सकते हो इनकी आँखें कितनी ज़्यादा खतरनाक। भाई ये अभी मुझे कुछ नहीं कह रही क्योंकि मैं यहाँ पर क्रिएटिव में हूँ। तो यार यही थी मेरी वर्ल्ड, मैंने यार आपको पता है मैंने सिर्फ एक ही वर्ल्ड बताई है। आप सोच रहे हो कि मैं काफ़ी सारी वर्ल्ड बताऊँगा लेकिन भाई ये जो वर्ल्ड है ये इतनी ज़्यादा अच्छी है कि मुझे और दूसरी वर्ल्ड बताने का भाई मन ही नहीं कर रहा है। इस पर यार आपको काफ़ी दिनों तक आप इस वर्ल्ड को खेल सकते हो क्योंकि आप जो इसकी मिस्ट्री है उसको एकदम से सॉल्व नहीं कर सकते एंड इसके जो ये एलियंस है ये एकदम से हमारी वर्ल्ड को छोड़ के नहीं जाएंगे। इनसे हमें कुछ लेन देन करना पड़ेगा या फिर हमें इनको हराना पड़ेगा एंड इसी के साथ साथ भाई इसमें आपको ज़ॉम्बीज भी ये लोग शायद से स्पॉन कर देते हैं जो कि यार काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो यार यही थी मेरी वर्ल्ड। तो अभी वीडियो को लाइक कर देना, बाय द वे गाइस इफ यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू डिड प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट्स एंड इफ यू आर न्यू हिट द सब्सक्राइब बटन। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।